सेक्स के भूखे लोग न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सुनेंगे आप तो आप सोचेंगे कि इंसान किस स्तर पर चला गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार में दो व्यक्ति एक महिला के साथ संबंध बना रहा था, यानी कि सेक्स कर रहा था। आप अब आगे जो सुनेंगे वो काफ़ी चौंकाने वाला है। चलती कार, तीन लोग, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि न्यूड, बगैर कपड़े के, और चलती कार में ये लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए और अचानक से सड़क पर ब्रेकर, जैसे ही ब्रेकर से गाड़ी टकराती है, गाड़ी पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है और फिर होता है एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी ठहरती है, लोग दौड़ते हैं कि चलो किसी की जान बचाई जाए। जब लोग तस्वीरों को देखते हैं तो दिमाग सन्न रह जाता है और तस्वीरों को देख करके चौंक जाते हैं कि अंदर तीन लोग, एक महिला, दो नौजवान व्यक्ति, तीनों ही बगैर कपड़े के। और जो तस्वीरें थी वो हमने आपको पहले बताई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उस कार के अंदर चार मासूम मासूम बच्चे भी थे। जी हाँ, चार बच्चे भी थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, असल में ये वीडियो वहीं का है। ये लोग बचाने के लिए दौड़े, वो चार मासूम मासूम बच्चे कपड़े पहने हुए थे। सोचिए उन चार बच्चों के सामने ये क्या हो रहा था। आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए कि बहुत सारे लोग जब मदद करने के लिए पहुँचे तब जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी परेशान करने वाली थी। कार के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिली उसे देख करके लोग भौचक्के रह गए, लोगों को समझ नहीं आया। खैर, इस वीडियो को क्या देखना, इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो देखिए किस तरह से खबरें निकल कर आपके सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार में सेक्स के दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। अच्छा, डिवाइडर से टकराई थी, है ना, मैंने ब्रेकर कहा था। ये मान लेते हैं सड़क है ना, दो दिशा में, और ये बीच में डिवाइडर, तो इस डिवाइडर से जो है कार टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी का जो हाल है वो सही नहीं था। लोग बचाव के लिए दौड़े तो एक लड़की और दो युवक नग्न अवस्था में थे। इसी कार में चार छोटे बच्चे भी मिले। बच्चों के सामने ही युवती एक साथ दोनों युवकों के साथ सेक्स कर रही थी। सोचिए, बच्चों के सामने। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। दोनों युवकों को शांति भंग में चालान कर दिया गया है ना, दोनों युवकों का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि युवती और दोनों युवक शराब के नशे में धुत थे। तो अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये भारत में, मुझे तो लगता है कि वेस्ट में भी नहीं होता होगा इस तरह की घटना भारत में सामने आई। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसी गलती है जिसके लिए यकीन सज़ा मिलनी चाहिए? अदालतों को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान मिले। और सबसे बड़ी बात है वो ये कि आखिरकार पुलिस प्रशासन जो है वो क्या कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा था, क्या ट्रैफिक पुलिस की नज़र उस गाड़ी पर नहीं पड़ी, क्या आखिरकार वहाँ क्या कुछ हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ये चिंताजनक खबर है और इस चिंताजनक खबर पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। उन चार बच्चों पर क्या गुजरी होगी, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।